हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल engineer.87। आज के स्काडा के वीडियो में हम स्लाइडर इन स्काडा उसके बारे में सीखने वाले हैं कि स्काडा के अंदर हम स्लाइडर कैसे यूज करते हैं और पर्टिकुलर उसकी वैल्यू हम कैसे चेंज कराते हैं, वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको स्काडा के अंदर मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ स्काडा के सॉफ्टवेयर में आ गया हूँ। ये सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है वो अगर आपको नहीं पता है तो मेरे प्लेलिस्ट स्काडा इन हिंदी उसमें आप देख सकते हैं, वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो आज हम सीखने वाले हैं स्लाइडर। तो पहले मैं न्यू विंडो ले लेता हूँ। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा लेफ्ट कॉर्नर में न्यू विंडो, आप कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। आपको नाम दे देना है तो स्लाइडर मैं दे देता हूँ। यहाँ से आप विंडो कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये जो है इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। तो अब मुझे स्लाइडर लेना होगा। तो स्लाइडर लेने के लिए आपको ये जो विजार्ड्स दिख रहा है वहां पे जाना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर वहां पे आपको ये स्लाइडर्स दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और ये दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। फिलहाल मैं ये वर्टिकल स्लाइडर ले रहा हूँ, तो उसके ऊपर क्लिक करके फिर यहाँ फिर से क्लिक करना है तो आपके सामने स्लाइडर खुल जाएगा। अब इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आती है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना होगा। तो ये देखिए, ये सारी प्रॉपर्टी है। तो टैग नेम तो हम हर बार देते ही है सारे वीडियो में, आपने आगे के वीडियो देखे होंगे तो वो है टैग नेम। फिर यहाँ पे लेबल, ये जो स्लाइडर आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप जो नाम देंगे वो वहां पे दिखेगा। अभी मैं स्लाइडर ही रखता हूँ। फिर फिल कलर, ये जो आपको कलर दिख रहा है रेड, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर मीन्स ये जो स्लाइडर का टेक्स्ट कलर ब्लू है अभी, वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर ये स्लाइड की रेंज आपको यहाँ देखिए, अभी 0 से 100 तक की है। मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 100 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 से 100 तक की है। मैं यहाँ अगर 50 कर दूँ तो वहाँ 50 हो जाएगी, देख सकते हैं 50 करके ओके दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 0 से लेकर 50 हो जाएगी। मैं फिर से 100 कर लेता हूँ। सो यहाँ से आप मिनिमम मैक्सिमम रेंज आप सेट कर सकते हैं। फिर ये टिक मार्क्स है, मेजर डिविजन्स मीन्स ये जो बड़ी लाइन है आपको दिख रही होगी उसको मेजर डिवीजन कहते हैं, और माइनर डिवीजन ये जो बीच में छोटी लाइन है उसको माइनर डिवीजन या फिर सब डिवीजन भी कहते हैं कई बार, तो वो आपको याद रखना है। तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ टेक्स्ट कलर, ये जो टेक्स्ट है जो आपने यहाँ पे देखा होगा, अगर यहाँ पे आपने ये 50 है 40, तो ये सारे जो टैक्स है 0 से लेके 50 तक उसका कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये स्लाइडर का जो कलर है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अब इसको मैं टैग देता हूँ स्लाइडर का, SL टैग दे दिया मैंने, कैपिटल दे रहा हूँ SL। फिर उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है, डिफाइन के ऊपर ओके। फिर यहाँ ये स्लाइडर में मेन चीज अभी आई कि मेन चीज यहाँ क्या है कि आपको जो है वो टैग नेम तो SL दे दिया, लेकिन उसका टाइप क्या कर रखना है वो यहाँ पे मेन चीज है। तो टाइप में देखिए इतने सारे टाइप आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे टैग के टाइप आते हैं। मेमोरी डिस्क्रीट है, तो जो सारे स्विचेस का मैंने वीडियो बनाया था, फिर गेट लॉजिक का सारा वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये मेमोरी डिस्क्रीट यूज किया था। फिर IO इंटीजर आता है, फिर ये सब सारे टैग आता है, और कहाँ पे कौन सा टैग यूज करना है उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको फिर भी एक बार दिखाता हूँ कि कहाँ कौन सा यूज करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टैग्स इन स्काडा वो मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना लिया है कि कहाँ कौन से टैग यूज करना है। तो ये जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि मेमोरी टैग कब यूज करना है, IO टैग, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और आई बटन में मैं डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहां से आप ये IO टैग कब यूज करना है, मेमोरी टैग, वो मैंने सब आपको सिखाया है, तो वो वीडियो
आप देख लेना ताकि आपको आसानी रहे। तो चलिए अब हम, सो फ्रेंड्स यहाँ पे स्लाइडर की वैल्यू 0 से लेके 50 तक वेरिएबल होगी, कई बार 30 होगी, कई बार 40 होगी। सो उसके लिए आपको मेमोरी इंटीजर टैग यूज करना होता है। तो मैं यहाँ मेमोरी इंटीजर के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मैंने टाइप मेमोरी इंटीजर दे दिया। तो आपको याद रखना है कि स्लाइडर में वैल्यू चेंज होती है, 0 से लेके 50 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो उसके लिए आपको मेमोरी इंटीजर यूज होगा टैग नेम का टाइप, तो ये आपको याद रखना है। और आप आगे का मैंने अभी का वो वीडियो एक बार देख लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर यहाँ मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। तो टैग मैंने दे दिया, अब हम रन टाइम में जाके देखते हैं। तो यहाँ से आप देखिए ऐसे स्लाइडर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे दिख नहीं रहा है कि ये अभी फिलहाल कौन सी वैल्यू है, तो वो हम करते हैं। तो फिर से मैं डेवलपमेंट में जाता हूँ। अब मैं यहाँ से, आपको ये टेक्स्ट का सिंबल दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करके आपको हैशटैग आपको लिखना है, तो शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करना है, फिर से लेना पड़ेगा टेक्स्ट, फिर शिफ्ट के साथ 3। तो ये हैशटैग हो गया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये हैशटैग ले लेना है शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करके, यहाँ से टेक्स्ट लेके। अब इसको हमें स्लाइडर की जो वैल्यू चेंज होगी वो यहाँ पे दिखानी है, तो उसके लिए हैशटैग के ऊपर डबल क्लिक करना है। फिर यहाँ वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए आपको यहाँ ये वैल्यू डिस्प्ले है वो छोटा सा सेटअप दिखेगा, वहाँ पे फोकस करना है। डिस्क्रीट यानी क्या होगा, या तो मेरी वैल्यू 0 होगी या तो 1 होगी, तो वो हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। एनालॉग मीन्स वैल्यू हमारी 0 से लेके हम जो भी रेंज फाइंड करते हैं, डिफाइन करते हैं, वहां तक हमारी वैल्यू है वो वेरियस टाइम पे वेरियस होगी। तो उसके लिए यहाँ स्लाइडर में ऐसा ही होता है, 0 से लेके 50 तक या फिर 100 तक वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। तो आपको एनालॉग लेना है, तो मैंने एनालॉग के ऊपर क्लिक किया। फिर स्लाइडर का टैग जो था वो यहाँ पे देना है, तो मैंने स्लाइडर में SL टैग दिया था, तो मैं यहाँ SL दे रहा हूँ। फिर उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो अब हम रन टाइम में जाके देखेंगे ना, तो क्या होगा कि जो भी मैं यहाँ चेंज करूँगा वो मेरा चेंज होगा रन टाइम में, ये जो वैल्यू चेंज होगी वो मुझे यहाँ दिखेगी। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ देखिए 0 पे लाने पे यहाँ हैशटैग के वहाँ पे 0 दिख रहा है, फिर जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाऊँगा वैसे मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ 60 पे 60 होगी, और फिर 80 पे 80, और टॉप पोजीशन पे मेरी वैल्यू 100 होगी। तो ऐसे आप वैल्यू को आप सेट कर सकते हैं स्लाइडर के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। इसका ही मैं पार्ट 2 बनाने वा रहा हूँ, तो उसका आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल के ऊपर क्लिक कर देना ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड हैव अ नाइस डे।